असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज़ इजान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर का टॉपिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर टू काइनेमेटिक्स एंड द टॉपिक टू पॉइंट सिक्स मोशन तो आज डिस्कस करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट कि एक बॉडी जो कि मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो सेम है और सिमिलरली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर दैट मींस कि उस बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी भी है और उसमें फाइनल वेलोसिटी भी है बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट होगी तब जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी और जब वो बी पॉइंट तक पहुंच जाएगी तब जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे दैट इज द फाइनल वेलोसिटी और इस सब को कवर अप करने में उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी कंज्यूम होगा क्लियर सो द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाई बॉडी इज गिवन टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अब ये जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया दैट इज एस तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द टोटल एरिया ओ ए बी डी अब जितना एरिया यहां पे कवर अप हो रहा दैट इज ओ ए बी डी क्लियर सो हम इस पूरे एरिया से हम इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें ये टोटल डिस्टेंस फाइंड किया था लेकिन उसमें हमने किया क्या था कि हमने इसको दो डायग्राम में डिवाइड कर दिया था दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया था लाइक फॉर एग्जाम्पल के ये एक रेक्टेंगल एरिया में डिवाइड कर दिया था इसको हमने और सिमिलरली इसको हमने एक ट्राइंगल एरिया में इसको हमने डिवाइड कर दिया था लेकिन थर्ड क्वेश्चन में इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे और हम इस पूरी शेप का एरिया जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे हियर इज स क्वेश्चन कि यहां पर यह जो शेप है कौन सी शेप आपको यहां पर नजर आ रही है ट्रपीजियम that that ठीक है सो so, ट्रपीजियम आपने देखा होगा जस्ट लाइक ट्रापीजियम अब इस ट्रापीजियम का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं सो ट्रपीजियम का एरिया हम फाइंड करते हैं कि उसमें जितनी भी पैरल साइड होती है उनको आप एडअप कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं टू से एंड मल्टीप्लाई बाय द हाइट सो अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें लाइक ओ ए बी So, पैरल है बी डी साइड के क्लियर और सिमिलर यहां पर अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट बेसिकली क्या होगी दैट इज द ओ डी क्लियर सो द फॉर्मूला ऑफ ट्रापीजियम area of trapezium which is 1 by 2 sum of parallel sides into height वो फॉर्मूला जिसके थ्रू आप एक ट्रापिजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ओके सो नाउ द एरिया ऑफ ट्रापिजियम विच इज एक्चुअली द डिस्टेंस एस एंड दट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पैरल साइड डिवाइड बाई टू समल साइड विच इज ओ ए प्लस बी डी दैट इज डिवाइडेड बाय टू ओ प्लस बी डी डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाय बाय द हाइट और यहां पर हमने हाइट किसान रिप्रेजेंट की दैट इज द ओ डी क्लियर हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ डी क्लियर अब सिमिलरली यहां पर हम इस इक्वेशन को बहुत साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी सी ओवर ओ डी से नो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी सो इस एस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं BC ओवर ओडी से और सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं BC ओवर ओडी से अब ये ओडी इस ओडी से कैंसिल आउट हो जाएगा सो हियर एस इंटू बीसी ओवर ओडी So, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन विच इज द एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी सो आई कैन राइट हेयर दैट स्लोप ऑफ लाइन विच इज एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी ओके सो मैं इसको रिपीट कर दू यहां से एक्सेलरेशन ए विच इज इक्वल टू द बी सी ओवर ए सी क्लियर पेंडिक्यूलर ओवर बेस तो बीसी जो एसी है एसी मैंने कहा इक्वेलेंट है ओडी के तो मैं एसी की जगह पर ओडी लिख सकता हूं बीसीवल टू द एक्सलेशन ए बी सी ओवर ओडी विच इज इक्वल टू द एक्सेन ए क्लियर सो हेयर एस इन टू इसकी जगह आ जाएगा एक्सेलरेशन और सिमिलरली यहां पर मैं इसको भी ऐसे ही लिख रहा हूं ओ ए प्लस बी डी एंड डिवाइडेड बाय टू अब टू यहां पर डिवाइड हो रहा है तो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो टू इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया एंड सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय बी सी सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये भी पढ़ा था कि हम BC को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं BC बेसिकली क्या है ये पोर्शन ओके सो अगर मैं ये कहूं कि मैं इस पूरे BD में से CD को माइनस कर दूंगा तो BC आ जाएगा क्लियर? सो so, BD डी माइनस सी डी इट बिकम्स इक्वल टू द सी ओके सो आई कैन राइट हेयर दैट BC सी okay? इक्वल so, है BD डी माइनस सी के ओके, okay. सो so, मैं इस बी सी की जगह पर लिख रहा हूं बी डी माइनस सी डी सो फर्दर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं सो so, जब ये मल्टीप्लाई इट बिकम्स टू ए एस और इधर ओ ए क्या है विच इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड सिमिलरली बी डी बी डी क्या है विच इज द फाइनल वेलोसिटी बेसिकली बी डी दैट पोर्शन और इस पोर्सन में कितनी वेलोसिटी कवर होगी दैट इज द दी एफ वेलोसिटी ओके सो ओ ए की जगह आ जाएगा वी आई इसकी जगह आ जाएगा वी एफ इन टू अगेन बी डी बी डी विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस सी डी सो यहां से आप देख सकते हैं सी डी जो पोर्शन है वो इक्वल है यहां पे ओ ए पोर्शन के दैट इज एक्चुअली द वी आई इनिशियल वेलोसिटी ओके सो वी आई प्लस वी एफ इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं दैट इज वी एफ प्लस वी आई ओके सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वी एफ को पहले लिखें या आई को पहले लिखें So, अब अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो एक फॉर्मूला बन रहा है दैट इज ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर ओके सो ए स्क्र मीन्स के वी एफ का स्क्र माइनस बी स्क्वेयर मीन्स के वी आई का स्क्वेयर सो हेयर टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर

ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नेम है गैलीलियो ओके सो इस साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आप डिफरेंट बॉडीज को एक हाइट से गिराएं तो वो सेम टाइम में आके ग्राउंड से स्ट्राइक करते हैं दैट मीन कि उन बॉडी का जो मोशन है वो बिल्कुल सेम है सो so,

क्योंकि यहां पर उनका जो एक्सेलरेशन है वो सेम है और वो एक्सेलरेशन बेसिकली यहां पर डिवेलप हो रहा है ग्रेविटी की वजह से ओके सो दैट्स वाई इस एक्सेलरेशन को फिर हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओके दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग गैलीलियो ने टावर पे एक हाइट पे जाके डिफरेंट वेरियस मैसेज के ऑब्जेक्ट uh, जो है उसने गिराए उसने ये ऑब्जर्व किया था के वो सेम टाइम से जाके वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं सो बेसिकली यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा सो ये आपको नेम याद होना चाहिए ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्लियर? नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज of acceleration is called the gravitational acceleration okay so write the definition the acceleration of freely falling bodies ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां पर एक वर्ड यूज किया दैट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बीको फ्री फॉल क्यों कहते हैं बिकॉज इस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे ये खुद ब खुद ही ग्राउंड से जाके स्ट्राइक कर रही है आप किसी को एक हाइट से फेंकते हैं ठीक है तो ये फ्री फॉल करती है फ्री फॉल क्यों करती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी सो दैट्स एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसको डिनोट किया जाता है जी से इट इज डिनोटेड बाय जी और इस जी की वैल्यू है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है और ये वैल्यू जो है ये बिल्कुल अर्थ की सरफेस पर है जैसे से आप उस अर्थ की सरफेस से ऊपर आते जाएंगे तो ये जी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है ठीक है और सिमिलरली फॉर फॉलिंग डाउन मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी अगर वो डाउन फॉल कर रहा है फ्रीली फॉल कर रहा है तब इस जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ओके